किस तरीके से आप इन कंप्लीट फॉर्म को आप कंप्लीट करेंगे, जैसे टीजीटी के फॉर्म को जैसे आपने अधूरा ही भरा हुआ है, इसका पेमेंट आपने कर दिया है किंतु आपने साइन और पिक्चर लोड नहीं किया है, तो सबसे पहले आप अपना जो है upsesb.org अपना साइट खोलेंगे। साइट खोल लेने के बाद यहाँ पे क्लिक हियर टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे और आपका इस तरह से पेज ओपन होकर सामने आ जाएगा। और यहाँ पेज खुल जाने के बाद अब यहाँ पे कंप्लीट फॉर्म पे क्लिक करेंगे। RAC होम पेज के नाम से यहाँ पे खुलेगा और यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे नाम दिख रहा है आपका UPSESB। RAC होम पेज खुल जाने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पर जा करके और आप अपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर को डालेंगे। फॉर्म भरते समय जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिला UP00 करके रहेगा, तत्पश्चात आप यहाँ पे बैंक का डिटेल भरेंगे या आप अधूरे फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए ये प्रोसेस कर रहे हैं तो आप जो बैंकिंग का डिटेल भरे थे वो अपना बैंकिंग का डिटेल डालेंगे। यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन चालान नंबर ID जनरेट हुआ है और वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे डाल के इस तरह से ओपन कर लेंगे और तब आपका ट्रांजेक्शन का डेट भी डालना है यहाँ कंपलसरी। तो जैसे मैंने ट्रांजेक्शन कल के डेट में किया था और फॉर्म भर नहीं पाया, आप यहाँ पे जुलाई और 2022 उसके बाद यहाँ पे आप कैप्चा कोड डालेंगे इस तरह से डाल देने के बाद यहाँ फॉर्म सबमिट कर देंगे। अब आप देखेंगे आपका इनकम्प्लीट फॉर्म आपके सामने आ गया। यहाँ पे फोटो अपना चूज करिए, जो भी फोटो आपको डालना है यहाँ पे वो फोटो अपना चूज करेंगे। जो आप अपलोड नहीं कर पाए थे किसी कारण से, पावर कट के कारण से या फिर कोई दूसरा और रीजन रहा होगा, तो आप यहाँ पे फोटो पे क्लिक करेंगे। फोटो का साइज आपको याद रहना चाहिए एग्जैक्ट वही रहे जो इसमें दर्शाया गया है 3.5 सेंटीमीटर, और आपका हाइट जो है 4.5 सेंटीमीटर होना ज़रूरी है। और यहाँ से जो फॉर्म आप यहाँ पे जो भी आप पिक्चर यहाँ पे रखे होंगे वो अपना पिक्चर यहाँ से ले लीजिए आप, और ले लेने के बाद उसको जो है यहाँ पे पिक्चर ले लिया आपने और ये पिक्चर यहाँ पे देख सकते हैं आपका यहाँ पिक्चर लोड हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ से साइन भी आप अपना अपलोड कर देंगे उसी फॉर्मेट में जिस फॉर्मेट में उसने बताया है। विड्थ अपना 3.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और हाइट जो है 1.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ मैंने उसको ओपन किया फिर से जहाँ पे मैंने उसको रखा हुआ है साइन को, और साइन को अपना अपलोड करेंगे आप। तो इस तरह से आपने देखा कि अधूरे फॉर्म को किस तरीके से पूरा करते हैं, और बहुत से लोगों को परेशानी इसमें आ रही थी कि कौन सा यूज़र नेम डालें, लॉगिन नंबर डालें, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप जो है रजिस्ट्रेशन नंबर और बैंक डिटेल डाल करके वो सारी चीज़ों को आप शो कर सकते हैं। ये देखिए इनका ये साइन, ये दोनों आ चुका है। आप यहाँ पे कैप्चा कोड डाल करके और उस चीज़ को अपना अब फाइनल सबमिट कर देंगे, अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर। अगर सब चीज़ ठीक से आपने किया है तो कोई भी
उसमें क्वेश्चन नहीं आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप फोटो एंड सिग्नेचर अपलोडेड सक्सेसफुली लिख रहा है। अब आप फाइनल सबमिशन की तरफ बढ़ेंगे, प्रोसीड फॉर फाइनल सबमिशन ऑफ फॉर्म। और यहाँ पे फाइनल सबमिशन में अगर कोई एरर है तो वहाँ चेक करके सही कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे डिक्लेरेशन पे टिक लगाइए और टिक लगा करके आप यहाँ पर ये एक्सेप्ट करेंगे डिक्लेरेशन को और यहाँ प्रीव्यू फॉर्म करेंगे। प्रीव्यू फॉर्म कर देने के बाद आप उसको जो है ये सारी चीज़ें या आप यहाँ से प्रीव्यू फॉर्म पे क्लिक किए और यहाँ पे मेरे से क्लिक हो गया था, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ यस करके आपने प्रीव्यू फॉर्म दिया और फाइनल सबमिट करिए। एरर आने पे वहाँ पे एरर अपना डिस्प्ले होगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको इसमें जो है फॉर्म में जो है परमानेंट एड्रेस वगैरह नहीं सही से था इसके उसमें ऐसा मांगा। इस तरह से आप फॉर्म को जो है सबमिट कर देंगे यहाँ पे। यहाँ पे जो हम छोड़ रहे थे इसको अपना सेलेक्ट करेंगे कि किस वर्ग का आपको विद्यालय चाहिए, हाँ किया आपने यहाँ पे और सबमिट कंफर्मेशन, और कंफर्मेशन सबमिट करने के बाद यहाँ पे प्रीव्यू ऑन किया वो कर देने के बाद फाइनल सबमिट आप करेंगे। यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड आपका दिख रहा है 4B4Z और यहाँ पे सबमिट कर दिया आपने। अब ये फाइनल सबमिट हो गया, अब आप इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। कुछ गड़बड़ी होने की वजह से लग रहा है, यहाँ पे ले नहीं रहा है ये, देखते हैं क्या वेरिफिकेशन कोड में डिस्टर्बेंस था लिख रहा है ना, यहाँ पे देख सकते हैं वेरिफिकेशन कोड नॉट मैच्ड और यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड को मैच करा के जी भी ऐसा मैच करा लीजिए फिर सबमिट कर दीजिए आप। और यहाँ पे कंफर्मेशन करा रहा है कि आर यू श्योर, तो 100% हमको श्योर ही रहना है। नाउ वी कैन सी हियर दैट वी हैव सबमिटेड आवर फॉर्म सक्सेसफुली, हमने सफलतापूर्वक ये फॉर्म